तो आज जो है हम लोग इस विज्ञान में कक्ष में एकत्रित हुए हैं हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर। हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, इसलिए कि हम लोगों का राष्ट्रभाषा हिंदी है और भारत के हर एक गांव में हर एक कस्बों में बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए आज जो हिंदी पर एक परिचर्चा जो आयोजित की गई है, तो हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक साथी सत्येंद्र जी आएंगे और जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उस पर विस्तार पूर्वक से प्रकाश डालने का काम करेंगे। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस की शुरुआत सन 1953 ईस्वी में हुई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को महात्मा गांधी के विशेष आग्रह पर और संविधान सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिला। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अब हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। जिस तरह से ये बहुत ही प्राचीन भाषा है, फिर भी जितना विस्तार इसका होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। अपने देश में ही हिंदी जो है उपेक्षित, हम लोग अपने गांव में आसपास देखते हैं हिंदी के जगह हम लोग अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं, चाहे कुछ बोलने के लिए या अधिकांश जो थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति भी है वो हस्ताक्षर भी करते हैं तो अंग्रेजी में करते हैं। जबकि अगर हमें अपने भाषा पर गर्व है तो हमें जितना संभव हो सके हिंदी में काम करना चाहिए और जहां आवश्यक है वहां तो दूसरी भाषाओं में हो ही रही है। जैसे उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, ये सब के काम जितने भी होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, उसको हिंदी में नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग अपने स्तर पर जितना संभव हो सके हिंदी में ही कार्य करें। दूसरी भाषा सीखना आवश्यक है, सीखे उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का सम्मान करें। जब हिंदी अपने देश में ही उपेक्षित रहेगा तो आप दूसरों को कैसे बोलिएगा कि हमारी भाषा अपनाइए। अभी विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में मंदारिन है, दूसरा स्थान पर अंग्रेजी है, तीसरा स्थान पर हिंदी है, जबकि इसका विस्तार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। जैसे नेपाल में, मॉरिशस में, ऐसे कुछ छोटे छोटे देशों में ही भारत के बाहर हिंदी बोली जाती है। भारत में भी 43% लोग ही हिंदी बोलते हैं, मतलब आधे से ज्यादा जो जनता है वो हिंदी नहीं बोलती है। दक्षिण भारत में आप जाइएगा हिंदी का विस्तार न के बराबर, केवल शहरी क्षेत्रों में ही लोग हिंदी को समझते हैं, वहां की क्षेत्रीय भाषाएं हैं नहीं तो फिर अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे अपनी जो मानसिकता है इसको बदलने की जरूरत है। जो जनमानस की मानसिकता है कि अंग्रेजी जानने वाले ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे दिखावटीपन करते, जबकि ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले से ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी जब थोड़ा बड़ा भी जो अंग्रेजी जानता है वो अंग्रेजी में ही बात करता है, वो दिखाता है कि नहीं हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने भाषा पर गर्व होना चाहिए और भाषा के अपने भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए।
तो आपके बीच में सत्येंद्र सर ने जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है उसके महत्व पर विस्तार पूर्वक से आप लोगों के बीच रखने के काम किए हैं। हम चाहेंगे हमारे बच्चे भी जो है हिंदी के प्रति अभी से भी अपनी मातृभाषा को प्यार करेंगे और साथ साथ अधिक से अधिक काम हिंदी में अन्य भाषा के अलावा काम करने का कोशिश करेंगे। आज जो है इस हिंदी दिवस के परिचर्चा के साथ साथ जो है कुछ प्रतियोगिता भी रखा गया बच्चों के बीच में, श्रुति लेख प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता। तो हम चाहेंगे जो कविता प्रतियोगिता में जो छात्र छात्राएं भाग लिए हैं मैं उनका बारी बारी से नाम पुकारूंगा और कृपया करके यहाँ आएगी और अपने कविता को आप और किस्सा सुनाएगी। तो हम पहला नाम पुकारते हैं जूनी कुमारी पर चार जूनी कुमारी आएगी और इस हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की कविता सुनाएगी। मानव जो है ना
आप जो है अपने आप को असहाय मत समझो, किसी में हाथ मत फैलाइए। अपने कर्म का विधाता जो है खुद मानव होता है। आप मेहनत करिएगा, लगन से पढ़िएगा, लिखिएगा, आगे बढ़िएगा। कविता में ही है, आप लोगों के बीच जो है प्रशांत कुमार आएगा और कविता सुनाने का काम करेगा। प्रशांत कुमार ताली बजाइए। Thank you.
कर्तव्य हमारे बाबू जो है बहुत खास की बात है कि 14 सितंबर 2022 को ये बच्चों के प्रति इतना जो है जागरूकता रखते हैं कि कुछ कहना ही नहीं है, इनके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इतना आप लोग को करके लगनशील रखते हैं। इस तरह से हम सभी शिक्षक के बच्चों जितने भी हैं इनके साथ साथ अगर लगाव रखते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं हो सकता। तो हम लोग को ये चाहिए कि हौसला को बुलंद रखे कि ऊपर ऊंचाई तक पहुंचने का काम करें और ये पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो आप लोग इनको साथ दीजिए और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको अभी दिवस पर जो बताने के काम किए, आप बच्चे हैं अपने जीवन में अमल करिए। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। तो अब जो है कार्यक्रम के समापन से पहले जो प्रतियोगिताएं थी, चित्रांकन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, चुटकुलेख प्रतियोगिता, उसमें हमने जो मूल्यांकन हुआ है उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए कुछ छात्र छात्राओं को चयनित की गई है। तो अब जो हम चाहेंगे उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो हम नाम बुलाएंगे। आप लोग जो है बारी बारी से आइए। जो चयनित सूची है वो हमारे हाथ में आ गया है, हम नाम बुलाएंगे, आप लोग बारी बारी से आते जाइएगा। तो पहले हम सूची लेख में जो है क्लास एक का छात्र छात्रा जो भाग लिए हैं उनमें से जो प्रथम द्वितीय तृतीय को बुला रहे हैं, आप लोग ताली बजाइएगा, कंजूसी मत करिएगा। तो सूची लेख में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हैं गौरव कुमार, सत्येंद्र सर, उनका नाम बुलाएंगे वो आगे।
पुष्कर रंजन पुष्कर और प्रस्तुत करने का काम करेंगे और चित्रांकन में ऋचा कुमारी रिया रिया कुमारी चित्रांकन प्रतियोगिता श्रुतिलेख प्रतियोगिता में जो बच्चे हमारे भाग लिए कविता में सबका बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन कुछ होता है चयन करने का कुछ जो उसका जो नियम होता है उसके तहत आप जो है प्रथम द्वितीय नहीं आए लेकिन पीछे नहीं है, आगे कोशिश करेंगे और पुरस्कार जो है कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, हमारे सभी बच्चे ने बेहतर किए। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए, मेहनत करिए ताकि जो है आने वाले दिनों में आप बेहतर हो और साथ साथ आप अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, साथ साथ जो है हम लोग शिक्षकों का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज जो है हिंदी दिवस का जो परिचर्चा कार्यक्रम था आज हम लोग जोरदार ताली के साथ समाप्त करेंगे।